हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। मैं हूं अर्पिता और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आशा करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। आज है सैटरडे और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं सुबह सुबह आ गई हूं छत पे जादू की तरह धूप सेकने के लिए, क्योंकि मुझे भी जादू की तरह धूप चाहिए होता है। मेरा विटामिन डी लेवल बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए कभी कभी मैं छत पे आती हूँ धूप लगाने के लिए। विटामिन डी के लिए बहुत सारी धूप की ज़रूरत होता है। तो अभी ये धूप बहुत ही अच्छा लगता है और ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत धूप सेकता हो गया, अभी नीचे जाती हूँ क्योंकि घर पे आज दीदी नहीं है, घर का सारा काम मुझे ही संभालना है और बाहर भी जाना है। तो अभी झटपट नीचे चलती हूँ, चल के बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर और रोटी। तो चलिए झटपट नीचे चलते हैं किचन में और काम में जुट जाते हैं। सारा अरेंजमेंट मैंने कर लिया, यहाँ पालक को ब्लांच करने के लिए दे दिया था, 5 मिनट हो चुकी है। और यहाँ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली अनियन चॉप कर लिया। ये है पनीर, पालक पनीर का। मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता दूंगी अच्छा खुशबू होने के लिए। तो पालक ब्लांच हो गया, अभी मैं उसको ठंडे पानी में भिगो दूंगी, जिससे क्या होगा पालक का कलर अच्छा रहेगा। वाटर में भिगो के रखा है और यहाँ कढ़ाई में फिर से गरम जल चढ़ा दिया है और थोड़ा सा मैं अभी नमक भी दूंगी और नमक देके पनीर को कुछ देर के लिए भिगो के रखूंगी, इससे पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो पनीर को पानी में भिगो दिया है, अभी पनीर को ट्रांसफर कर देते हैं। पालक पेस्ट कर लिया और जिंजर और ग्रीन चिली भी पेस्ट कर लिया। ये है जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट। और देखिए पालक का कलर कितना अच्छा सुंदर इंटैक्ट है, एकदम हरा कलर है। और इसमें थोड़ा सा धनिया भी मिलाया है। और अभी मैं कढ़ाई में बटर और थोड़ा सा तेल दे दिया है। तो मेरा कढ़ाई में बटर गल गया है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ जीरा फोरन दूंगी। छोटा 2 प्याज चॉप करके रखी थी और 2 कलियां लहसुन के चॉप करके रखी थी, वो सारे मैं अभी जो घी बटर और तेल के अंदर दे दिया थोड़ा सा सौते होने के लिए। इसके बाद मैं दूंगी जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट। तरह से भून चुका है, तेल भी छोड़ दिया है मसाला से, अभी इसमें मैं पालक मिलाऊंगी। ग्रीन कलर डिस्कलर हो जाएगा, इसलिए मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम करके पालक मिलाऊंगी। डुबो के रखी थी उस पानी को थोड़ा सा मिलाकर उसमें डाल दूंगी। और पानी मिलाने के बाद मैं पनीर को यहाँ मिला दूंगी अच्छी तरह से। और देखिए कितना हरा हरा ग्रेवी तैयार हुआ है। और अभी ऐसे छोड़ दीजिए। तो इस टाइम आप थोड़ा सा नमक चख लीजिएगा, क्योंकि जब पनीर भिगोए थे तब भी नमक पानी में भिगोया था और जब पालक ब्लांच किए थे तब भी नमक देके ब्लांच किया था, इसलिए आप अभी इसी टाइम में थोड़ा सा नमक चख लूंगी। अगर चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगी और नहीं चाहिए तो थोड़ा सा चीनी ऐड करके मैं बटर और रेड चिली पाउडर का छौंक लगा दूंगी। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला मिलाकर मैं ढक देती हूँ रेस्टिंग टाइम के लिए। तो मेरा तो पालक पनीर तैयार हो गया, अभी झटपट रोटी बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और इसके बाद मुझे बाहर भी जाना है।
फास्ट ले लो। तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम मिल रहे हैं मेरे बड़े नंद की तरफ से। हम लोगों को आज लंच का इनविटेशन मिला है, तो इसलिए हम अभी फ्रेशन अप होके चल रहे हैं लंच के लिए। पहुंच ही गए हैं लगभग, तो चलिए लंच के बाद आपके साथ मिलते हैं। कितना सुंदर है ना ये सारे फूल। ये पहले जो गुल्हड़ के फूल आप लोगों ने देखे ना, वो मेरे बड़े ननद और नंदई के घर के गार्डन का है, और वो दोनों बहुत ही चाव से मेहनत से अपने गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया है और बहुत सारे फूल भी खिला है। हालांकि कुछ दिन पहले थोड़ा सा बारिश हुआ था, उसके वजह से फूल सारा खराब हो गया है। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जितना पहले था। और ये है मेरे बड़े ननद के घर, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो उनके घर के भी एक रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि वो दोनों बहुत ही मेहनत से, चाव से और प्यार से अपने घर को सजाया है। तरह तरह के चीज़ें बहुत सारे जगह से ढूंढ ढूंढ के लाकर अपने घर को, अपने आशिया को सजाया है। तो इतनी वेल डेकोरेटेड घर के एक तो रूम टूर बनता ही बनता है, क्यों बनता है ना। तो इसलिए मैं झटपट मोबाइल उठाया और रूम टूर करना चालू कर दिया। और देखिए कितने सुंदर से वो लोग अपने घर को सजाया है, हर एक कोने को बहुत ही प्यार से सजाया है। लगे हैं तो आपके साथ भी शेयर कर दिया, क्या पता आप लोगों को भी यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए अपने घर सजाने के लिए, क्यों काम के बात है ना। तो मेरा रूम शूट करने के बाद और कुछ ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि हम लोग एज यूजुअल बातचीत में लग गए और बातें करते करते कब शाम हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। और फिर शाम को हम बालकनी में बैठ के चाय के साथ चॉप, सिंगारा, पकोड़े, बहुत सारे चीज़ें खाए और वापस अपने घर चले आए। तो ऐसे ही गुजरा हमारा सैटरडे का दिन, वीकेंड। तो सैटरडे का ये ब्लॉग मैं ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ही जल्द मिलते हैं और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।